कैसी लगी आपको मूवी फर्स्ट बार आप लोग? बहुत अच्छा लगा है, फाइनली आ गया, स्वाद आ गया, इश्क लग गया, जबरदस्त मूवी थी, जबरदस्त मजा आ गया, मजा आ गया। स्क्रीनिंग कैसी लगी आपको? स्क्रीनिंग जबरदस्त है, एक्शन खतरनाक, और सेना गिल थी इसमें, सेना हमारे पंजाब की रानी थी, हम भी पंजाब के, मजा आ गया, मस्ट वॉच मूवी है, इश्क लादा, इश्क लादा। मैं कहना पूरी फैमिली ड्रामा फुल पैसा, कितनी रेटिंग देना चाहेंगे, स्टार कितना देना चाहेंगे? 5 में से 5 अगर तो 10 में से 100 बहुत बढ़िया मूवी है, इट्स अ कंप्लीट एंटरटेनमेंट फिल्म विद लॉट्स ऑफ इमोशंस, एक्शन, ड्रामा, मुझे बहुत ही पसंद आया। आई विल गिव यू 5 out of 5 फॉर दिस फिल्म। इवन द सरप्राइजेज आर वेरी वेरी लाइक यू नो, बहुत अच्छे सरप्राइजेस थे, मैं रिवील नहीं करूँगी, बट जो जाएंगे उनको बहुत मजा आएगा। फर्स्ट हाफ में भी बहुत अच्छा सरप्राइज है, सेकेंड हाफ इज टू गुड, और सॉन्ग्स आर ऑल सॉन्ग्स आर वेरी गुड, बहुत मजा आया। नहीं वो उसमें इतने मतलब है, पर वो लग नहीं रहा था कि एज नेगेटिव, बट वो पूरे ड्रामा में वो बहुत अच्छे से फिट हो रहा था, एंड पूजा का बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, उनकी केमिस्ट्री अच्छी थी, और बहुत अच्छा मतलब उनका पेयरिंग बहुत अच्छा लग रहा था स्क्रीन पे, और वेंकटेश जी भी अच्छे थे, बहुत मज़ा आया उनको भी देखने के लिए। हाँ हाँ हाँ, वो बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत चुलबुल थी, यस यस, उसको ये मतलब ये सीन में देखे बहुत अलग सा लगा, उसको हमेशा हमने डांस फॉर्म में देखा है, थोड़ा एक्टिंग में, मतलब मैंने इनका ये फर्स्ट पिक्चर देखा तो मुझे वो भी पसंद है। आई विल गिव 5 out of 5, इट्स टू गुड फिल्म, मस्ट वॉच एवरीवन, थैंक यू। मूवी इज गुड, सीन कैसे लगे? सीन्स आर गुड, सलमान खान सर कैसे लगे आपको? यू नो दो दो लुक में थे, यू नो नो द एक्टिंग वाज गुड, ही वाज इमोशनल एंड ऑल, मूवी वाज गुड, लविंग। अच्छे हैं, मीन्स भाई के बारे में बताया कि ही लव्स विद हिज ब्रदर्स एंड फैमिली, मतलब अच्छा बताया, तो मूवी इज गुड ओवरऑल। सर आप इसमें रेटिंग कितना देना चाहेंगे, कितने स्टार देना चाहेंगे? 5 to 5 stars। ओके, थैंक यू सो मच। ओके मैम, हेलो मैम, कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। सलमान सर कैसा लगे आपको? वेरी सुपर हीरो, माय फेवरेट एक्टर। और इसमें शहनाज गिल थी, नो पूजा हेगड़े थी, राघव जुवाल थे, आपको कैसे लगे राघव जुवाल? नो बहुत अच्छे, बहुत अच्छा है। सर मैम आप रेटिंग कितना देनी चाहेंगे? 5 to 5। ओके, थैंक यू। कैसी लगी आप दोनों को? बहुत अच्छी लगी, मेरे फेवरेट एक्टर है, मेरा बर्थडे 26 दिसंबर को आता है, सलमान सर का 27 को आता है। ओके, सो सॉन्ग पे आप लोगों ने डांस किया कि नहीं? बहुत अच्छा था, बहुत मूवी बहुत अच्छी लगी, रेटिंग में 5। कोई डायलॉग बोल सकते हो? राउडी अन्ना का कुछ तो डायलॉग था, वो बहुत अच्छा है था। और शहनाज गिल कैसी लगी आपको? शहनाज गिल बहुत अच्छी थी। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छे लगे, फुल एंजॉय किया आपने मूवी में? हाँ। डांसिंग किया कि नहीं? नहीं। सलमान खान के अंदाज में बोले भाईजान, कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू। आप कितने स्टार देना चाहेंगे सलमान खान को? 5 stars, 10 after 10। ओ वाओ, थैंक यू। ओके, मूवी देखकर आ रहे हैं, भाई जान की कैसी लगी? फाइनली किसी का भाई किसी का जान, जैसे कहते हैं ना, ईद भाई के बगैर अधूरा है, वैसे थिएटर भी पिक्चर ना लगे तो भाई के बगैर अधूरा है, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री। स्क्रीनिंग जबरदस्त एंड मस्त, और इसमें सबसे अच्छा सोशल कॉजेस पे एक ही मैसेज गया है कि ब्लड रिलेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज अ परवरिश, जो उन्होंने 3 भाई को स्टैंड किया अपने लिए, मतलब खुद का सगा भाई तो नहीं था इस पिक्चर्स में जो दिखाया गया है, और रियलिटी भी ऐसा ही है, बट ब्लड रिलेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज द परवरिश। इसमें बहुत सारे एक्टर थे, यू नो राघव जुवाल ड्रामा क्वीन, कैसे लगे आपको? और सबसे अच्छी बात इसमें मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जैसे सलमान भाई हर एक्ट्रेस को लॉन्च करते हैं, सेम उसी तरीके से किसको लॉन्च किया पता है आपको? शहनाज गिल को। तो आप कितने स्टार देना चाहते?
आप अगर इस मूवी का अगर 100 स्टार्स अगर चल रहे होते तो 100 नहीं 1000 देता, बट 5 का रेटिंग है, 5 तो जाना ही है भाई जान को। थैंक यू सो मच मैम। किसी की भाई किसी की जान देखकर आ रही, कैसी लगी मूवी आपको? ब्लॉकबस्टर, मेरे लिए तो ब्लॉकबस्टर है, मुझे बहुत पसंद आई मूवी। इट्स अ टोटल एंटरटेनमेंट, बहुत मजा आया इस मूवी में। यू नो साउथ तड़के भी थे बॉलीवुड में, कैसे लगे आपको साउथ एक्टर्स में? वेंकटेश सर एंड जगापति बाबू जो थे हमारे जगू दादा, उनके दोनों की परफॉर्मेंस का तो मतलब कुछ जवाब ही नहीं है। क्या एक्टिंग किया है, क्या एक्शन किया उन्होंने, एंड इतना ज़बरदस्त लग रहा है उन लोगों का स्क्रीन प्ले, एकदम टाइट स्क्रीन पे, आपको मजा आ जाएगा देखकर। मैम इसमें सतीश कौशिक भी थे, उनका रोल कैसा लगा? सतीश सर को देखा हमने मूवी में, बहुत अच्छा लगा यार उनका ये कैरेक्टर करके। मतलब ऐसा हो कि ये क्यों चले गए, उनको और आगे होना चाहिए था, बहुत जल्दी चले गए। उनका भी अच्छा दिया उनको स्क्रीन स्पेस। एंड हीरोइंस की बात करूँ तो पूजा मैम को अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, सलमान के साथ भी अच्छी लग रही है वो। लेकिन शहनाज गिल एंड जो बाकी के दो हीरोइंस है पलक एंड विनाली, तीनों में से मुझे उनकी एक्टिंग तीनों की ओके लगी, मुझे इतने कुछ वाव नहीं बोल सकी क्योंकि उनकी फर्स्ट डेब्यू मूवी है। सो उन्होंने कोशिश अच्छी की है, बट राघव सिद्धार्थ एंड जैसे मतलब मुझे सिद्धार्थ बहुत पसंद है, उनकी एक्टिंग अच्छी लगी, बहुत स्मार्ट एंड डैशिंग लग रहे हैं। आप कितनी रेटिंग देनी चाहिए? 5 out of 5, लेकिन रेटिंग में रवि बासु सर को भी देना चाहूंगी, उनके BGM को लेकर जो BGM जो म्यूजिक उन्होंने दिया है ना, वो में एक अलग तड़का मसाला फ्लेवर लग गया है। तो मैम फुल एंजॉयमेंट, फुल एंजॉयमेंट, फैमिली को लेके जो फैमिली बहुत एंजॉय करेगी मूवी को, बहुत जबरदस्त है। एंड सलमान सर ने फर्स्ट टाइम साउथ के कल्चर को इतना एक्सेप्ट किया, इतना रिस्पेक्ट किया, लुंगी में आ गए भाईजान हमारे, तो क्या ही बोले हम। हेलो हाय सर, किसी की भाई किसी की जान मूवी देखकर आ रहे हैं, कैसा लगा आपको मूवी? किसी का किसी का जान आ गए हमारे भाईजान ईद पे लेके आके, ईदी देने के लिए। हालांकि ईद तो कल है, आज नहीं है, फिर भी ईद के पहले आज उन्होंने ईदी दिया है। बट एक बार बोलूँगा, सलमान भाई इज बैक लाइक अ वॉन्टेड, रेडी, दबंग, बॉडीगार्ड, एकता टाइगर, फुल 5 मूवी का मिक्सर बना के लेके आ गए इधर। क्योंकि यही सलमान भाईजान चाहिए था हमारे को, राधे वाला सलमान भाई नहीं चाहिए था ना, हमारे को ट्यूबलाइट वाला चाहिए था ना रेस वाले, ये भाईजान चाहिए था और सलमान खान लेके आ गए। सर बॉलीवुड मूवी में पहली बार यू नो साउथ तड़के लगे, तो कैसे लगे आपको साउथ अंदाज में भाईजान? एक्चुअली देखा जाए तो 2022 में हमारे सलमान भाई आए नहीं एक भी मूवी में, ना शाहरुख भाई आए थे, तो उस 2022 में साउथ में घुस गए पब्लिक, इतनी घुसे, इतनी सारी मूवीज देखी साउथ की, तो पब्लिक ने ये बोल दिया कि अभी साउथ ही कब्जा करके थिएटर में सब खत्म हो गए। सलमान भाई ने क्या किया, रीमेक उठा के साउथ का ही पूरा कल्चर है पिक्चर में लेके आके ईद पे बता रहे पब्लिक को, तो इतना मजा आ रहा है कि यार पब्लिक बोले कि तुमको साउथ की मूवी देखना है, मैं दिखाता हूँ, दिखा दिया भाई ने। और इस मूवी में पहली बार शहनाज गिल का एज अ डेब्यू हुआ, उनकी एक्टिंग आपको कैसी लगी? एक्चुअली उनका ज्यादा काम ही नहीं दिया सलमान खान ने, मतलब सिर्फ इंटर के पहले थोड़ा 2-4 डायलॉग दिया कि हम इनसे प्यार करते हैं, उनके भाई की मतलब लवर रहती है, ऐसा काम है। बाकी इंटर की बात है पिक्चर में, पर पीछे कैमरा मतलब ऐसा बोलते ना पीछे कोई खड़ा रहता है, वैसा रोल दिया। कौशिक सर भी इसमें नजर आए, यस, अरे उनके मतलब मूवी ने उनके लिए मतलब डेडिकेट करता हूँ, मतलब एक बोले तो एक बोलते ना कि एक लास्ट मूवी है किसी को अगर डेडिकेट करना रहेगा तो ये सतीश जोशी के लिए बहुत अच्छा है, मतलब ये बहुत सही लगा मेरे को ये मूवी। और खासकर साउथ के मतलब जब इंटरवल होता है ना इंटरवल की बात, तो मैं एक टाइम पे भूल गया कि सलमान खान की पिक्चर है, तो सलमान खान ने इंटरवल को ऐसा चेंज किया ना, ऐसा लग रहा है कि फोकस पूरे वो जो वेंकटेश्वर है उनकी फैमिली है भूमिका चावला है उनको फोकस किया। और इंटरवल के पहले एक मेरा सबसे फेवरेट सीन है जो मेरे को पुराने सलमान भाई याद दिलाते, जब मैं पैदा भी ना मेरे माँ बाप की शादी हुई थी, मेरे को सबसे फेवरेट सीन लगा, मैं रिवील नहीं करूँगा, आप जाके थिएटर में देखो, हालांकि बहुत लोग नहीं रिवील करते पर मैं नहीं करूँगा क्योंकि सबसे फेवरेट है। और हमको आज के जेनरेशन ने सलमान खान भाई ने वो लव स्टोरी वापस दिखाया है पिक्चर में, तो इतना मजा मतलब ये एकदम फैंटास्टिक है, मजा आ रहा है मेरे को। सर आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे इस मूवी को? 10 में से 10 दूंगा क्योंकि मेरे को तो फाड़ दिया है पिक्चर सलमान भाई ने। ओके हेलो हाय मैम, आप किसी की भाई किसी की जान देखकर आ रही हैं, कैसी लगी मूवी? आपके भाई मेरी जान, लाइक हाँ आई एम लाइक आर्डेंट फैन ऑफ सलमान, सो या वो मेरी जान है और जान के देखने के लिए हम आ गए थे सुबह सुबह बिना ब्रेकफास्ट किए ऑब्वियसली, सो या बट मूवी एक्सपेक्टेशन से बहुत मतलब लीस्ट एक्सपेक्टेड थी, तो बिलो एवरेज लगी, बहुत ही मीडियोकर फिल्म लगी मुझे। आई डोंट नो व्हाई सलमान ने क्या सोच के फराह सामने को बोला कि यार डायरेक्ट कर ले मेरी मूवी, एक बिलो एवरेज डायरेक्टर को लेकर ये मूवी बनाई है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मास्टरपीस बनी है, बट ठीक बनी है। ओके इस मूवी में बहुत ऐसे न्यू आर्टिस्ट थे, उनकी एक्टिंग आपको कैसी लगी? मैं सलमान आपको 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 पता है सलमान सर का ये है कि वो सबको ले लेते हैं, उनका वो योजना है कामगार योजना, तो सबको ले लेते हैं, बट मूवी सबकी एक्टिंग मुझे
वही ओवर एक्टिंग लगी शहनाज की भी, मुझे ओवर एक्टिंग लगी, उनको स्क्रीन टाइम तो काफ़ी कम दिया था, तो सबकी मैं नहीं बोल सकती, बट हाँ ये फिल्म चलेगी सलमान के वजह से, बिकॉज ऑफ कोर्स उनका स्टारडम है, ही इज़ अ मैन, ही इज़ अ गॉड, सो मैं सलमान खान का फर्स्ट लुक एंड सेकेंड लुक, कौन से लुक आपको अच्छे लगे? ऑब्वियसली सेकेंड लुक, जब वो गर्मी बड़ी थी और कपड़े आई मीन शर्ट उतरी थी, ऑब्वियसली वो, लेकिन आई डोंट नो व्हाई कि सलमान को VFX यूज़ क्यों करना होता है अपनी मूवीज़ में, बहुत ही फेक लगता है। मैं उनसे यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरी जान, आपकी इतनी अच्छी बॉडी है, वो नेचुरली वो दिखाओ, एक्चुअली आई नो कि टाइगर के टाइम पर वो दिखेगी हमें, लेकिन ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं। मैम इस मूवी में सतीश कौशिक सर थे, तो आपको कैसे लगे वो? हाँ, लास्ट में उनको भी मरता हुआ देखा था मैंने, बट हाँ लास्ट में उनका, उनकी कॉमिक टाइमिंग तो बहुत अच्छी है शुरू में। मूवी को आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगी? मैं सलमान के लिए तो पूरे दूंगी, लेकिन अगर मूवी को अगर मैं देना चाहूँ तो 2.5 और 5.5। मैम आप इतने कम कर रहे हो, बट वाई? वही डायरेक्शन के लिए एक मूवी पैकेज होना चाहिए ना, तो ना तो वो सॉन्ग्स इतने सारे सॉन्ग्स थे, नहीं ज़रूरत थी, प्लस द कास्ट इतना बड़ा ले लिया, वो भी ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है, वो लाजवाब ना लाइव दिखाने की कोशिश की है, बट नहीं खड़े उतर पाए। थैंक यू सो मच। हाय। हेलो, लगी मूवी आपको? बहुत बढ़िया लगी, किसी के भाई किसी की जान। कैसे लगे सलमान खान? बहुत बढ़िया, वो तो है बढ़िया, उनके बल लगना क्या, उनका है बढ़िया वो तो। वो तो कॉमिक है, उन्होंने कॉमिक बहुत बढ़िया, उनकी तो मजे भी एक्टर है, बहुत बढ़िया एक्टर है। और इस मूवी में यू नो साउथ तड़के दिए गए थे, बॉलीवुड में पहली बार ऐसी साउथ तड़के मूवी आई थी, कैसी लगी आपको उनके अंदाज में, साउथ के अंदाज में सलमान खान? नहीं बढ़िया लगी मूवी, साउथ में भी साउथ के स्टाइल, थोड़ा साउथ के लिए थोड़ी पंजाबी के हिसाब से ली, दोनों कॉमिक बढ़िया लगा। सर आप कितना इंजॉय किए इसमें? मैंने कहा पूरी पब्लिक ने इंजॉय किया, बाद बाद में कॉमिक फाइट, मतलब बढ़िया गाने, बढ़िया लगा, फर्स्ट क्लास। शहनाज गिल कैसी लगी सर आपके? कौन सी? शहनाज गिल। शहनाज गिल। भूमि चावला आपको कैसे लगी आपके? वो क्या नाम, वो हेगड़े जो थे ना, पूजा हेगड़े, हाँ वो बढ़िया लगी हीरोइन। और भूमि चावला जो उनकी भाभी का रोल आई, अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया बढ़िया लगी, बढ़िया लगी। सर आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे इस मूवी को? स्टार कितने देने चाहेंगे आप इस मूवी को? 5 में से 5 ही देंगे। थैंक यू सर। ओके ओके। हेलो, हाय सर, किसी की भाई किसी की जान मूवी देखकर आ रहे हैं आप, कैसी लगी मूवी आपको? आई थिंक सुपर हिट मूवी है, तो मतलब अलग लेवल पे ले गए हैं इस बार सलमान खान इस मूवी को, तो बहुत मजा आया। आपको फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ इसमें तो दोनों में से कौन सी मूवी आपको अच्छी लगी? बहुत मुश्किल है कहना, फर्स्ट हाफ बहुत मस्ती वाला था, सेकंड हाफ में पूरा एक्शन सीक्वेंसेस था, तो दोनों बहुत मजेदार थे, दोनों एंजॉयबल थे, तो कंपेयर नहीं करूंगा। सबसे बढ़िया तो ऑफ कोर्स मेन लीड है पूजा हेगड़े, उन्होंने अलग लेवल पे एक्टिंग करी है और बहुत ही सूथ कंफर्टेबल लेवल पे उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, उनके डांस भी बहुत बढ़िया है, रोमांस सीन्स भी बहुत बढ़िया करे हैं, बट आई वुड से शहनाज गिल की भी जो डायलॉग डिलीवरी बहुत बढ़िया है, आई थिंक शहनाज का भी फ्यूचर अच्छा है बॉलीवुड में। और मैं ये कहूँगा एक सरप्राइज एलिमेंट जो भाग्यश्री का है वो बहुत अच्छा लगा, जो मैंने प्यार किया का 89 का सीन था वो रिक्रिएट करा, और आई थिंक उस टाइम जो हॉल में सीटियाँ पड़ी थी, आई थिंक यू कैनॉट कम्पेयर दैट। यस अरे बहुत इमोशनल थे हम सब देख के, क्योंकि उनका इतना अच्छा रोल था और बहुत अच्छी एक्टिंग थी उनकी, तो हमेशा से एक्टिंग अच्छी रही है, सो मे गॉड ब्लेस हिज सोल, एंड बहुत अच्छा एक्टिंग किया उन्होंने भी। सर मूवी के सॉन्ग में रामचरण दिखाई दिया, आपको कैसा लगा मूवी का सॉन्ग, तो आपने कितना एंजॉय किया? अरे बहुत एंजॉय किया, वो पंजाबी पहले पंजाबी सॉन्ग आ रहे थे, उसमें फिर इन्होंने साउथ इंडियन सॉन्ग डाले, और जो कॉम्बिनेशन जो जुगलबंदी करी है रामचरण के साथ, ओह बहुत मजा आया, और आई थिंक एक अलग लेवल पे ले गए हैं परफॉर्मेंसेस को। सर इस मूवी को कितनी रेटिंग देना चाहिए? आई थिंक 5.5, उससे कम तो बनता ही नहीं है। अभी इसका टाइम है और सलमान के फैन है, मैं भी फैन हूँ, तो पिक्चर तो देखना ही है, उसकी एक्शन बहुत अच्छी है। सर फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ आपको कौन से सीन अच्छे लगे? सेकंड हाफ। सेकंड हाफ। और इसमें पूजा हेगड़े, भूमि चावला एंड शहनाज गिल, बहुत ऐसे एक्टर्स हैं, वो सब साइड में है, ज्यादा के मेन तो इनके ऊपर ही पिक्चर है सलमान का। हाँ, तो सलमान की एक्शन बहुत अच्छी है, लेकिन रोमांस में नहीं जम रहा है।
पता नहीं क्यों नहीं जम रहा है। सर बॉलीवुड में यू नो साउथ के तड़के लगे हैं, आपको कैसे लगे? वो कॉम्बो अच्छा लगा, साउथ का और बॉलीवुड का। राम चरण ने सॉन्ग में एंट्री ली है, आपको सॉन्ग एंजॉय किए कि नहीं आपने? हाँ सॉन्ग अच्छा, वही तो बोला पिक्चर की जान जो है पिक्चर की सॉन्ग है और सिनेमेटोग्राफी है जो लोकेशन वो बहुत अच्छा है। सर इस मूवी में सतीश कौशिक सर को भी दिखाया गया। हाँ दिखा। तो आपको कितने यादगार कल उनके मूवी? उसका रोल अच्छा है, उसका रोल अच्छा है। तो सर आप रेटिंग कितना देना चाहेंगे इस मूवी? तीन आपसे दो रेटिंग कम, दो स्टार कम कर रहे हैं। इसमें क्या ओरिजिन, मैं ज्यादातर ओरिजिन मूवी पसंद करता हूँ, इसमें ओरिजिन मूवी नहीं है ना, तो रीमेक है। रीमेक में क्या वो चेंजेस भी करते नहीं, वही वही जो पहले देखे रहते हैं वही का वही सीन आते रहता है, खाली आर्टिस्ट बदल जाता है, वही है। ओरिजिनल मूवी रहेगा तो अच्छा रहता है, वो देखने को नहीं मिलती है आजकल, कहाँ देखने को मिलती है। चलिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। देखिए पिक्चर अच्छी लगी, मसाला मूवी है, मारपीट है, एक्टिंग है, डांस है, गाने हैं, सब कुछ भरा हुआ है, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का मिश्रण है, तो अच्छी लगी। सर इस मूवी के सॉन्ग में रामचरण भी एंट्री करते हैं। रामचरण का एंट्री बहुत अच्छा है इसमें, उसने रोल भी अच्छा किया है। सर इस मूवी में कुछ सीन यू नो सतीश कौशिक सर भी नजर आए, हाँ, आपको कैसे लगे उनकी? उनको एक तरह से उनको श्रद्धांजलि दी है, पहली लाइन उन्होंने लिखी है सलमान ने कि इनको श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी तो एक्टिंग सदाबहार थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस बहाने लोग देख के याद करेंगे। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ में कुछ नहीं है इसमें ऐसा, इधर पहले दिल्ली और नॉर्थ इंडिया बताया, बाद में साउथ इंडिया हैदराबाद बताया, वो दोनों अच्छा बताया। ओवरऑल फैमिली पैकेज, फैमिली पैकेज नहीं है ये, सलमान का प्रेमी की मूवी है, फैमिली पैकेज वाली जैसी स्टोरी नहीं है। सहनाज गिल, पूजा हेगड़े, ये सब दूसरे वो फलक तिवारी, उन लोगों ने उन लोगों जो रोल आया हिस्सा में उन्होंने किया है। तो सर आप इस मूवी को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? मैं इस मूवी को 5 में से 4 रेटिंग दूंगा। मूवी कैसी लगी आपको छोटे फैन? बहुत अच्छी थी, मैं सलमान सर की बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरा बर्थडे 26 दिसंबर को आता है, सलमान सर का 27 दिसंबर को आता है। मैं स्पेशली स्कूल के लिए मतलब स्कूल से छुट्टी लेके आई सिर्फ ये मूवी देखने के लिए, क्योंकि मेरे को ये मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना था। और जब वो स्टार्टिंग में जो चीज़ आई थी, किसी का भाई किसी की जान और उन लोग के डायलॉग्स, हिस्ट्री, गाना और वो सब बहुत बहुत अच्छा था। उन्होंने फर्स्ट में अपनी हिस्ट्री बताई थी अपने भाइयों के साथ। शहनाज गिल भी उस मूवी में आई थी, तो मतलब बहुत अच्छी गई। सलमान सर बहुत अच्छे हैं, मतलब वो सब लोगों की हेल्प। सॉन्ग एंजॉय किया आप? सबसे ज़्यादा तो बिल्लो बिल्लो वाला, मेरा फर्स्ट स्टेप हो जाता है बिल्लो बिल्लो को। 4 साल के बाद सलमान सर की मूवी, मतलब सलमान सर ने रिटर्न वापसी की है, और इसके पहले जो OTT पे आई थी राधे मूवी, उससे जो है सलमान खान के जो भी फैंस लोग थे उनके दिल टूटे थे, और इससे भी बकवास मूवी वो थी राधे, जो कि सब लोग ने एक्सेप्ट किए देखे। क्यों? क्योंकि एक बड़े स्टार की मूवी है, सलमान भाई की मूवी। अब रहेगी ये मूवी जो है रिमिक है, अगर ये रिमिक नहीं होती थी मूवी बहुत चलती थी। ये है कि मैं साउथ की भी देखा, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजिंग किया गया, चेंजिंग करने की वजह से थोड़ी बहुत ठीक लग रही है, और मूवी छोटी छोटी बनाई है। तो देखो पहले चाहे जो भी हो, हम भाई सलमान खान के फैंस हैं, और रह गया कि उतनी बोरी नहीं है, ये नहीं है, फैमिली ऑडियंस बैठ के देख सकती है। और ईद है, ईद में तो कल का नज़ारा कुछ और ही होगा, आज तो हम लोग का नज़ारा है, कल ईदी लोग का नज़ारा है। तो मूवी जो है जहाँ तक मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लगा भाई। ओवरऑल स्क्रीनिंग कैसी लगी सर आपको? देखो ये मुझे ये समझ में ये आया कि फराज साम जी जो है, मतलब है, अगर रिमिक मूवी का जो है इतना अच्छा डायरेक्शन कर सकते हैं, मतलब इसके पहले उनको जो है सब लोग रो गा रहे थे कि क्या किया होगा, क्या है वही हम लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन ये मूवी का जो डायरेक्शन उन्होंने किया है, बता दिया कि मैं डायरेक्टर हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगा उनका डायरेक्शन। और जिस हिसाब से सलमान खान की मूवी रहनी चाहिए उस हिसाब से उन्होंने डायरेक्शन किया है, और पूरा टोटल देखा जाए तो इसमें जो मतलब साउथ के जो उन्होंने
लिए हैं उन्होंने और एक दो नए कलाकार को एंट्री दिए हैं। बहुत अच्छा, सब लोग बोलते हैं कि सलमान खान नए लोग को ब्रेक नहीं देते, नए लोग को ये नहीं करते, तो इसमें दिया है भाई, देखो आँख से देखो तो दिया है। चाहे जो भी हो, जो भी कल से ईदी मनाने आएंगे तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग जो है मूवी देख करके ईद से बधाई दो सलमान खान को। मूवी अच्छी है और देखने लायक है, मैं इसको ना हिट बोलूँगा ना बंडर बोलूँगा, मेरे लिए अच्छी है, अपनी मूवी है और ये जो है पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक किसी को अच्छी लगेगी, क्योंकि जो अगर दिमाग में रख के जाएगा कि रीमेक मूवी है, मैं भी दिमाग में रखा था कि रीमेक मूवी, लेकिन मुझे कुछ अलग चेंजिंग लगा इसमें। देखो पब्लिक को क्या चाहिए, फाइट चाहिए, एक्शन चाहिए, अलग चीज़ सलमान खान का जो चीज़ है उसमें है, थोड़ी बहुत कॉमेडी है, लेकिन सबसे बड़ी पहले एक फील हुआ मुझे जो सतीश कौशिक जो है उनकी मेरे को लास्ट मूवी है, लेकिन वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन जाते जाते उन्होंने जो है सलमान भाई के साथ काम किया और देखा तो अच्छा लगा। तो मैं यही बोलूँगा, नहीं हो तो सतीश कौशिक की लास्ट मूवी है, यही बोलूँगा कि आप जरूर ये मूवी देखो। देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि हिट या फ्लॉप हो, एकदम अच्छा मूवी रहे वो देखो। देखो ये मूवी भी ख़राब नहीं बना है, कम टाइम में एकदम फास्ट भगा है, फाइट गाना, लेकिन एक बात है इसके अंदर जो नयो लगदा का जो सॉन्ग है सब लोग टारगेट कर रहे थे ये क्या है ये क्या है, इसका ही हाँ इसका ही सॉन्ग का जो है बैकग्राउंड में म्यूजिक लास्ट तक दिया, बहुत अच्छा लगा और गाने तो इज बेस्ट है। तो नहीं कुछ हो तो गाना ही सुनने के लिए आप जाओ तो भी आपके लिए मूवी अच्छा है, तो ज़रूर एक बार मूवी देखो फैमिली ऑडियंस के साथ, मुझे तो अच्छी लगी। सर रेटिंग कितना देना चाहेंगे इस मूवी को? देखो चाहे जैसी भी हो, मैं तो भाई देखो पहली बात है कि मूवी जो है जो भी रहे मूवी अच्छी, मतलब डायरेक्शन की है वो अच्छा लगा, गाना अच्छा लगा और रहेगी सलमान भाई की मूवी है और उन्होंने वही अंदाज में वही हमें एक्शन दिया सब कुछ दिया, तो भाई बनता है, पहली बार 4 साल के बाद है तो मैं कट आउट नहीं करूँगा, पूरा 5 स्टार अपनी मूवी। थैंक यू सर, थैंक यू।